ओम शांति। 23/9/2023 यानी 23 सितंबर 2023 की मुरली। आज की मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ एक ज्ञान तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें ललकार करनी है। तुम हो शिव शक्तियाँ। आज का प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिसका ही तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो? तो इसका उत्तर है, निरंतर परम पिता परमात्मा की याद में रहना, यह है सबसे ऊंची मंजिल। याद से ही कर्म भोग चुकतू हो, कर्मातीत अवस्था होगी। जिस मात पिता से अपार सुख मिल रहे हैं, उनके लिए बच्चे कहते हैं कि बाबा आपकी याद भूल जाती है, तो यह आश्चर्य की बात है ना। देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ चलता रहे तो याद भूल नहीं सकती। अगर हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तो हमें परम पिता परमात्मा भूल ही नहीं सकता। लेकिन हम बच्चे अपने आप को शरीर समझने लगते हैं, हम बच्चों को देह अभिमान आ जाता है, इसलिए परमपिता परमात्मा की याद भूल जाती है। आज का गीत है, किसने यह सब खेल रचाया? ओम शांति। भगवान अनुवाच। भगवान कहते हैं, बच्चे अपने बाप यानी भगवान को जानते हैं। अभी बच्चे आकर के बाप द्वारा आस्तिक बने हैं, क्योंकि बाप द्वारा बाप को जाना है इसलिए आस्तिक कहलाते हैं। तुमने जाना है कि बरोबर हम आत्मा हैं, वह हम आत्माओं का बाप है। भले कोई मनुष्य अपने को आत्मा समझते भी हों, परंतु परमात्मा को कोई नहीं जानते। जब बाप खुद आकर बच्चे पैदा करे और उनको अपना परिचय दे, तब जाने। बाप को ही अपना परिचय देना है। वह है आत्माओं का फादर, आत्माओं का बाप। सम्मुख आकर के बतलाते हैं कि तुम आत्माएं हो, मैं तुम आत्माओं का परमपिता हूँ। तुम निश्चय करते हो, यह तो कॉमन बात है। आत्माओं का बाप तो जरूर है। गायन भी है कि आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप को बच्चे ही जानते हैं। बाप 5,000 वर्ष बाद फिर से आए हुए हैं। जब सब बच्चे नास्तिक यानी मूर्ख और दुखी बन जाते हैं, एक भी आस्तिक यानी होशियार नहीं रहता है, तब बाप आते हैं और आकर के आस्तिक यानी होशियार बना करके फिर से छिप जाते हैं। फिर कोई भी बाप को जानते ही नहीं है। अब तुम बच्चों में यह निश्चय नंबर 12 पुरुषार्थ अनुसार है। सबको बाप पर पूरा निश्चय नहीं है। सभी बच्चों को परमपिता परमात्मा पर पूरा पूरा भरोसा नहीं है, भले यहाँ सम्मुख बैठे हैं। जानते हैं कि परमपिता परमात्मा पतित पावन बाप पतित से पावन देवता बना रहे हैं। देवी देवताओं की तो यहाँ सिर्फ मूर्तियाँ हैं, देवी देवताएं खुद तो हैं नहीं। जो भी मनुष्य मात्र हैं, सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई भी आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते। हम सो परमात्मा कह देने से ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते। तुम बच्चे जानते हो कि एक भी मनुष्य नहीं है जो अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझ करके और परमात्मा को अपना बाप समझे। लेकिन अब यह ललकार कौन करे? शक्तियों ने ही ललकार की थी।
परंतु अभी तक वह शक्ति आई नहीं है जो तुम्हारे में आनी चाहिए। शिव शक्तियाँ तो मशहूर हैं, नामी ग्रामी हैं, जगत अम्बा भी शक्ति है। अब कॉन्फ्रेंस में रिलीजियस हेड्स सब आते हैं, उन्हें भी समझाना है। बाप समझाते हैं कि बच्चे तुमको तो देही अभिमानी बनना है, अपने आप को आत्मा समझना है। हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। अगर यह निश्चय नहीं है, कोई संशय है, तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे भी चलते चलते माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं, निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि हो पड़ते हैं। नहीं तो बच्चे कभी भी संशय बुद्धि नहीं होते हैं कि हमारा यह बाप नहीं है, यहाँ यह बंदर है। कहते भी हैं कि परमपिता परमात्मा हम सब आत्माओं का बाप है, वह हमको पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी बाप को भूल जाते हैं। रोज समझाते रहते हैं कि बच्चे अपने बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म यानी बुरे कर्म तो जन्म जन्मांतर के सिर पर बहुत हैं। तुम जानते हो कि मम्मा बाबा जिसको ब्रह्मा सरस्वती कहते हो वह नंबर वन में है, लेकिन वह भी खुद कहते हैं कि हम इतना योग लगाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, तो भी अनेक जन्मों के पाप कटे नहीं हैं, कुछ न कुछ भोगना पड़ता है। अंत में इस भोगना से छूट कर्मातीत अवस्था को पाना है, पुरुषार्थ करना है। माया भी कम रुस्तम नहीं है, माया भी कम होशियार नहीं है, दोनों ही सर्वशक्तिमान है। बाप भी सर्वशक्तिमान है तो उधर माया भी सर्वशक्तिमान है। रावण माया ने सब मनुष्य मात्र को पतित बना दिया है। गाते भी हैं कि पतित पावन और तालियां बजाते रहते हैं, तो जरूर पतित हैं ना, परंतु अपने को समझते नहीं हैं कि हम पतित हैं। यह समझाना भी जरूरी है कि अब यह पतित दुनिया है, पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। पावन दुनिया में ऐसे पतित पावन को नहीं बुलाएंगे, वहाँ तो भारत बहुत सुखी था, एक ही धर्म था। अभी तुम जानते हो परमपिता परमात्मा एक ज्ञान सागर है, वह इन सब वेदों शास्त्रों आदि के राज को जानते हैं, वही पढ़ा रहे हैं। परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो यह भी भूल जाते हैं कि हमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं, परमपिता परमात्मा हमें पढ़ाते हैं, वह नशा नहीं चढ़ता। यहाँ से बाहर घर जाने से नशा चकनाचूर हो जाता है। कोई मुश्किल है जो युक्ति युक्त पुरुषार्थ करते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, देह अभिमान तो नंबर वन है। बाबा ने समझाया है कि अपने को देही समझो, अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा हैं, इस शरीर द्वारा हम कर्म करते हैं। अपने को परमात्मा तो कभी भी नहीं समझना है। बाप कहते हैं मैं तुमको पतित से पावन बनाने के लिए आया हूँ, तुम बच्चे मुझे घड़ी घड़ी याद करो। परंतु बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी बाप को याद नहीं करते हैं और फिर सच भी नहीं बतलाते हैं। चार्ट जो लिखकर भेजते हैं उसमें भी झूठ लिखते हैं, सच्चा चार्ट लिखते नहीं हैं। बाबा समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो,
हम आत्मा 84 जन्म पूरे कर अब बाबा के पास जाती हूँ। सवेरे उठकर बाबा को याद करो तो उसका नशा सारा दिन चढ़ा रहेगा। मनुष्य धन कमाते हैं तो नशा रहता है ना कि आज इतना कमाया, तो यह भी धंधा है, व्यापार है, तो उसमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं कि कितनी मेहनत करते हैं। सवेरे उठ करके अपने से बातें करनी है। अब पार्ट पूरा हुआ, अभी हम गए कि गए, फिर 21 जन्म राज्य करना है। कितना मीठा, कितना प्यारा वंडरफुल बाबा है। ऐसे बाप को कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं हैं। बाप आ करके बच्चों को अपने से भी ऊंच ले जाते हैं और फिर बच्चे बाप को सर्वव्यापी कह करके अपने से भी नीचे ले गए हैं। इसलिए बाप कहते हैं तुम बहुत दुखी बन पड़े हो। मैं तुम बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाता हूँ और फिर तुम बच्चे मुझ बाप को सर्वव्यापी कह देते हो, कण कण में कह देते हो, तो यह भी ड्रामा में खेल है। अब बाप डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को एक जान समझाओ। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं 100% साल्वेंट बुद्धि थे, पावन बुद्धि वाले थे, लेकिन अभी नहीं है। फर्क देखो कितना है, कहाँ भारत स्वर्ग था अभी नरक है। यह एक जान कोई भी मनुष्य में नहीं है, तुम बच्चों में भी वह ताकत नहीं है। देह अभिमान बहुत है, देही अभिमानी को तो धारणा होनी चाहिए। बाप डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे ऐसे ललकार करो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई को भी पता नहीं है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं, हमारा बाप परमपिता परमात्मा भी बिंदी है। वह परमपिता परमात्मा नॉलेज फुल पतित पावन है, जन्म मरण में नहीं आते हैं। हम आत्माएं तो जन्म मरण में आती हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मेरा भी पार्ट है, मैं आता हूँ तुम सबको सुखी बनाकर फिर निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। मनुष्य बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ में चले जाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। वानप्रस्थ माना बाड़ी से परे स्थान, वह थोड़े ही बाड़ी से परे बैठते हैं। अभी वानप्रस्थी तो सब हैं, हम आत्माएं बाड़ी से परे रहने वाली हैं, परंतु उस स्थान को भी जानते नहीं हैं। तुम्हारे में भी कोई कोई की बुद्धि में यह बातें हैं। देह अभिमान बहुत है, बाप को फॉलो नहीं करते हैं। माया भी बहुत प्रबल है, आत्मा और परमात्मा के संबंध को कोई भी जानते नहीं हैं। बाप के संबंध को ही नहीं जानते, तुम भी घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। बाप का बन करके बाप को पूरा याद करना चाहिए ना। बच्चे कहते हैं कि बाबा घड़ी घड़ी याद करना भूल जाता हूँ। अरे तुम मात पिता को याद करना भूल जाते हो। निरंतर याद करने की ही मंजिल है। जिस मात पिता से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो तुम उसको भूल जाते हो, यह आश्चर्य की बात है ना। मात पिता तो एक ही है। बाप कहते हैं मैं ही तुम्हारा मात पिता हूँ। यह है बड़ी गुप्त बातें। कई बच्चे समझते हैं कि जगत अम्बा माता है,
परंतु नहीं, वह तो साकारी है ना। तुम मात पिता गाते हो निराकार को, यह सब बातें पहले नहीं बतलाते थे। दिन प्रतिदिन गुप्त बातें सुनाई जाती हैं। अगर तुम ब्राह्मण बच्चे किसी को कोई भी बात ना समझा पाओ तो बोल दो कि बाबा ने अभी तक सुनाया ही नहीं है। बाप से पूछेंगे फिर तुमको समझाएंगे। दिन प्रतिदिन बहुत नई नई पॉइंट मिलती रहती हैं। नॉलेज तो बहुत बड़ी है, एग्जाम तो बहुत बड़ा है। अब समझने वाले कोई समझें। बच्चे पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, फिर बाबा को लिखते हैं कि मैं नहीं चल सकूंगा, तंग हो गया हूँ। तंग हो करके पढ़ाई को छोड़ देते हैं। विकार में जाते हैं तो पढ़ाई अपने आप ही छूट जाती है। यह पढ़ाई ब्रह्मचर्य की धारणा से ही होगी। अगर ब्रह्मचर्य को तोड़ा तो फिर धारणा नहीं हो सकेगी। दूसरे को कह नहीं सकेंगे कि काम महाशत्रु है। बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। मंजिल बहुत ऊंची है। सन्यासी तो गृहस्थ धर्म को छोड़ करके भाग जाते हैं। वो है हठ योगी सन्यासी, यह है राजयोग। बाप ही आकर के राजयोग सिखलाते हैं। हठ योगी कभी भी राजयोग नहीं सिखला सकते। लेकिन यह बात पूरा समझाने का तुम ब्राह्मण बच्चों में ढंग नहीं आया है। तुम ब्राह्मण बच्चे ये बातें दूसरों को अच्छे से नहीं समझाते हो। उन्हों का है हठ योग संन्यास, वह पतित को पावन बना नहीं सकते। तुम्हारा है बेहद का संन्यास, वह है हद का संन्यास। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम वापिस जाते हैं। यह बेहद का संन्यास बुद्धि से किया जाता है। उनका है हठ योग कर्म संन्यास, तुम्हारा है राजयोग कर्म योग, जो भगवान ने सिखलाया है। अभी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो कि वह है हठ योग और यह है राजयोग। शिव को भी कोई समझते नहीं है। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे शिव भी बिंदी है। बिंदी का निशान भी भ्रिकुटी में ही दिया जाता है, और कोई जगह बिंदी नहीं देंगे, भ्रिकुटी में ही बिंदी दी जाती है। तो आत्मा भी यहाँ ही निवास करती है, यह किसी को पता नहीं है। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नूधा हुआ है, अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। यह कितनी डीप बातें हैं, यह कितनी गहराई की बातें हैं, कोई को समझाने नहीं आएंगी। तुम ब्राह्मण बच्चे अच्छे से किसी को समझाते नहीं हो, इसलिए दूसरे समझते नहीं हैं। तुम ब्राह्मण बच्चों को ये बातें समझाने ही नहीं आती है। रियलिटी में समझाना है। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमात्मा भी बिंदी है। अगर दूसरी आत्मा आएगी तो वह भी बाजू में आकर बैठेगी ना। ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं तो आत्मा आकर के बोलती है कि हमने फलानी जगह जन्म लिया है। तो वह आत्मा कहाँ आकर बैठेगी, क्या माथे में? उनमें अपनी भी आत्मा है ना। बाप कहते हैं मैं भी बिंदी हूँ, मुझे परम पिता परम आत्मा कहते हैं, उनकी महिमा बड़ी भारी है। शिवाय नमः, यह किसने महिमा की? आत्मा शालिग्राम ने।
तो जरूर वह अलग है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, तुम जानते हो उनका एक ही नाम शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ब्रह्मा देवताए नमः विष्णु देवताए नमः कहेंगे, लेकिन उनको शिव परमात्माए नमः कहेंगे। तो शिव ऊंच ठहरा ना, यह बातें तुम समझ सकते हो, यह नॉलेज भी तुमको अभी है। तुम्हारा यह हीरे जैसा जन्म है, देवताएं तो प्रलब्ध भोगते हैं, देवताएं तो सुख भोगते हैं। यह प्रलब्ध देने वाला बाप वंडरफुल है, ऐसे पारलौकिक बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बुद्धि योग इस ब्रह्मा में नहीं, उन परम पिता परमात्मा में रखना है। वह बाप पढ़ाते हैं इस ब्रह्मा के द्वारा, यह शरीर लोन में लिया है। सारी सृष्टि में कितना बड़ा मेहमान है, शिव बाबा परम धाम से आते हैं, कितना बड़ा भारत का मेहमान है। कहाँ से आया हुआ है, उन मिनिस्टर आदि की कितनी इज्जत होती है। यह गुप्त भेष में कितना बड़ा मेहमान पतित को पावन बनाने के लिए आया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद कर। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, सवेरे सवेरे उठ करके याद में बैठ करके कमाई जमा करनी है, अपने आप से बातें करनी है, देही अभिमानी यानी आत्मअभिमानी रहना है। दूसरा है, राजयोग कर्म योग सीखना और सिखलाना है। कभी भी तंग हो करके पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाप का रिगार्ड जरूर रखना है, बाप का सम्मान जरूर करना है। आज का वरदान है, बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति रखना, यही मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। सिर्फ अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो, जो अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर के चलने वाले हैं, वह स्वकल्याणी हैं। लेकिन जो बेहद की वृत्ति रख बेहद सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें कहेंगे बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी। आज का स्लोगन है, निंदा स्तुति, मान अपमान, हानि लाभ, इन सब में समान रहने वाले ही योगी तू आत्मा हैं। अगर आज की मुरली आपको समझ में आ गई और आज की मुरली आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ओम शांति लिखना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद, ओम शांति।